अ वेरी वेरी मेन थिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनको यूज किया जा रहा है, सो हमें यूज करने ही नहीं चाहिए. नहीं, आपको वजाइना को सिर्फ नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है और केमिकल फ्री सोप से अगर क्लीन करना है, वो भी जस्ट वंस इन अ डे. It is not important ki every time you go to urine then you need to clean your vagina thoroughly and all of that. Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show. And bahut sare aise questions hote hain jo hum ek gynecologist se puchna chahte hain lekin hum puch nahi pate sharam ki wajah se ya phir dar ki wajah se. Lekin tension nahi leni hai kyunki aaj hamare sath hain Dr. Megha Pawar. हेलो मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. आई एम ग्लैड टू बी हियर. एंड आज मैम आपसे बहुत सारे सवाल हमें करने हैं जो एक लड़की या फिर एक इंसान पूछना चाहता है गायनेकोलॉजिस्ट से, उसके माइंड में चलते रहते हैं बट वो नहीं पूछ पाता है. वो आज सवाल मैं आज आपसे पूछूंगी और मैं होप करती हूँ कि आज हमारे व्यूअर्स को सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे. सो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो यही है कि इज इट ओके एंड इज इट नॉर्मल टू हैव पेनफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स? See, some amount of pain during intercourse is natural and it tends to happen. लेकिन अगर आपको intercourse के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा pain हो रहा है तो it could be due to some natural cause or pathological cause as well. जैसे the first cause we think about is vaginal dryness. See, sometimes the female is not as sexually aroused as the man is. So it is very important to have that physical intimacy between both the partners, to communicate between each other and to discuss about each other's need. That could be the first cause. Apart from that, there are various other pathological causes, like whenever there is a condition which is known as endometriosis. सो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि आपके बॉडी में ऐसी जगह ब्लीडिंग होती है जहाँ नहीं होनी चाहिए, जैसे ओवरीज में ब्लड कलेक्शन हो जाता है, पेल्विस में ब्लड कलेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से अंदर ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जबकि उसकी वजह से जब भी आप इंटरकोर्स करोगे तो दैट वुड बी पेनफुल. सो इफ़ द पेन इज एक्सेसिव, आप इतना पेन हो रहा है कि यू डू नॉट फील टू हैव इंटरकोर्स and some symptoms are like that, then I suggest you should visit a doctor. Maybe aap aisa koi condition aap avoid kar rahe hain ya ignore kar rahe hain which could be damaging to your body later. Iske alawa infections mein bhi pain ho sakta hai. Okay, agar infection hai to bhi pain ho sakta hai. Agar mam UTI ki baat kare to UTI mein bhi kafi pain hota hai. To uske bhi hum causes janna chahenge aur signs symptoms janna chahenge. देखो सबसे पहले यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो होता कैसे है. जनरली यूरिनरी इन्फेक्शंस दो मेन कॉजेज होते हैं उसके, या तो आपने कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया है देयर द हाइजीन इज़ नॉट मेंटेन प्रॉपरली तो यू कैन कैच अप यूटीआई. सेकेंडली इवन व्हेनेवर ड्यूरिंग इंटरकोर्स द इन्फेक्शन कैन ट्रांसमिट फ्रॉम द मेल टू द फीमेल पार्टनर. तो मेल्स में जनरली क्या होता है, यूरेथ्रा इज़ लॉन्ग और इन्फेक्शंस इतने प्रोन नहीं होते इसलिए. लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, यूरेथ्रा शॉर्ट होता है तो इन्फेक्शंस जो भी होते हैं वो बहुत जल्दी यूरिनरी ब्लैडर में असेंड कर जाते हैं एंड दे कैन लीड टू इन्फेक्शंस देयर. तो यूरिन इन्फेक्शन में भी हाँ, आपको वेजाइना में भी पेन होगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड ऑल्सो यूरिन का जो ट्रैक है और वेजाइना है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो द वेजाइनल इन्फेक्शन कैन असेंड टू यूरिनरी इन्फेक्शन एंड वाइस वर्सा, कि जो ब्लैडर में इन्फेक्शन है वो वेजाइना में भी क्रॉस कर सकता है. ओके, एंड मैम मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को अगर ये यूटीआई हो गया है तो उनको बार बार होता रहता है, तो लाइक इज इट नॉर्मल कि बार बार होना या फिर किस तरह से हम इसको देख सकते हैं? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट चेक बिकॉज इट इज़ नॉट नॉर्मल टू हैव अ यूरिन इन्फेक्शन अगेन एंड अगेन. प्रॉब्लम किसी भी लेवल पे हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप अपना यूरिनरी हाइजीन या वेजाइनल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आजकल एडवर्टाइज़ किया जाता है कि वेजाइनल वॉशेज एंड ऑल ये सब यूज़ करना चाहिए, तो बहुत बड़ा इसमें डायलमा है कि यूज़ करें कि नहीं करें. बट अकॉर्डिंग टू मी वेजाइनल वॉशेज एंड ऑल शुड नॉट बी यूज्ड. ठीक है, वेजाइना इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन. वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है और वेजाइना में इटसेल्फ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस जिसको बोलते हैं, जो इन्फेक्शन अपने आप क्लियर कर देता है. और इन सब वॉशेज में ऐसे हार्ड केमिकल्स होते हैं जो ये बैक्टीरिया को दे डैमेज दैट नेचुरल बैक्टीरिया ऑफ वेजाइना एंड इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर वेजाइना फ्रॉम इन्फेक्शन दे मेक इट मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. लाइक दिस इज अ वेरी वेरी मेन थिंग एंड इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आज के टाइम में
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनको यूज किया जा रहा है, सो हमें यूज करने ही नहीं चाहिए। नहीं, आपको वजाइना को सिर्फ नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है और केमिकल फ्री सोप से अगर क्लीन करना है वो भी जस्ट वंस इन अ डे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि एवरी टाइम यू गो टू यूरिन देन यू नीड टू क्लीन योर वेजाइना थॉरली एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज बेसिकली मे बी यू आर ओवर क्लीनिंग एंड इन दैट ओवर क्लीनिंग प्रोसेस जो बॉडी के नेचुरल फ्लोरा है और नेचुरल बैक्टीरिया है विच इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन, यू आर क्लीनिंग दैट एंड दैट इज मेकिंग यू इवन मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। और सेकेंडली अगर मतलब यूरिन इन्फेक्शन बार बार के बारे में बात करें तो कई बार क्या होता है कि अगर किसी को स्टोन्स की प्रॉब्लम है जैसे किडनी स्टोन्स होते हैं, यूरेटर स्टोन्स होते हैं, तो उनको भी यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, तो यू नीड टू रूल आउट स्टोन्स ऑल्सो। और अगर कोई किसी को डायबिटीज़ है या पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई कंडीशन है जिसमें उनकी बॉडी को इन्फेक्शन ईजिली कैच हो जाता है तो उसमें भी यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। ओके, एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैम एक प्रॉब्लम मैंने देखी है फीमेल्स में कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपना यूरिन को कंट्रोल करना, एंड उससे क्या होता है कि वो एक जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पर वो पास हो जाता है, सो इज़ इट वेरी नॉर्मल और इसके हमें वरी होना चाहिए? एक्चुअली दिस इज़ नॉट नॉर्मल, इसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जैसे कि अ फीमेल इज़ नॉट एबल टू होल्ड यूरिन विच कैन बी वेरी एम्बेरसिंग, कभी पब्लिक प्लेसेज में सच इंसिडेंट्स हैपन एंड समटाइम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स ऑल्सो सच थिंग हैपन्स कि शी इज़ नॉट एबल टू होल्ड द यूरिन। तो जनरली क्या होता है, दे आर पेल्विक सर्टन पेल्विक मसल्स इन आवर बॉडी जिनका काम होता है कि ब्लैडर को यूरिन होल्ड करके रखना। लेकिन समटाइम्स क्या होता है मेनली आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में पेल्विक मसल्स का बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है, तो आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी समटाइम्स द स्फिंक्टर्स बिकम्स वीक एंड आफ्टर अ सर्टन एज जिसको जैसे मीनोपॉज कहते हैं व्हेन द मेंसेस आर ओवर, तो देर आर वेरियस हार्मोनल चेंजेस प्लस बॉडी विद टाइम द टिश्यूज डज नॉट हैव सेम स्ट्रेंथ एज इन द यंग फेज, सो स्फिंक्टर्स थोड़ा वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। तो उसके लिए या तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब जनरली नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको ये एक्सरसाइजेस करना चाहिए, अदरवाइज द इफेक्ट्स कैन बी परमानेंट, यू नो कि इफ़ आप एक्सरसाइज कर रहे हो अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो तो दिस इज़ अ वेरी क्यूरेबल थिंग, इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर रहे हो बहुत टाइम तक देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। मैम अगर ये यंगर एज में हो गई है लाइक शादी से पहले अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्या रीज़न हो सकता है? देखिए एक तो इसका रीज़न थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होता है कि अगर किसी को एनजाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह है या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है पहले से तो उसका इफेक्ट भी यूरिनरी मतलब शी इज़ नॉट एबल टू होल्ड द यूरिन बेसिकली प्रॉपरली, तो देर आर सर्टन ब्लैडर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जिसमें आप अपने ब्लैडर को ट्रेन करते हो टू होल्ड द यूरिन। और आजकल आपके ऐसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस टूल या फिर ऐसे चेयर्स भी अवेलेबल है विच डू दैट एक्सरसाइजेस फॉर यू, बेसिकली यू कैन जस्ट सेट ऑन दैट चेयर, इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक्स एंड इट विल कॉन्ट्रैक्ट द इट विल एक्ट स्पेसिफिकली ऑन दैट मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट दिस ब्लैडर एंड विच कैन हेल्प यू इन कंट्रोलिंग ऑल द सिम्टम्स। ओके, एंड जो ये एक्सरसाइजेस आप बता रहे हैं तो इसमें केगल एक्सरसाइज भी इंक्लूड है? यस, केगल इज इन फैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यूरिनरी कंट्रोल एंड दिस हेल्प्स। या आई वुड से कि कीगल्स का असर आपको इतना जल्दी नहीं दिखाई देगा कि आपने आज कीगल करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर अ वीक यू नो यू आर बेटर। कीगल इज़ अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज इन दिस ब्लैडर कंट्रोल, बट जनरली आपको इसका इफेक्ट आने में एटलीस्ट 6 weeks लगेगा कीगल्स का इफेक्ट। और अगर हम रेगुलरली करते हैं तो 6 weeks में हमको सिक्स वीक्स में दिखेगा। एक्चुअली एटलीस्ट आपको कीगल्स दिन में 3 बार एपिसोड्स करने हैं उसके, मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में एटलीस्ट 10 to 15 times यू विल हैव टू वॉलेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट योर पेल्विक मसल्स। एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं?